देखिए बताओ दोस्तों, हमारे शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अगर आप लोग एक कोशिका की बात करेंगे, कोशिका के अंदर होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे धागे जैसे कुछ संरचना होती है जिसे आप लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो दोस्तों ये क्रोमो देखो, ये एक पेयर दिख रहा है यहाँ पर, टोटल दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, पेयर में मिलते हैं आपको। तो टोटल कितने पेयर होते हैं? 22। टोटल कितने पेयर होते हैं? 22 पेयर होते हैं। यानी अगर मैं संख्या की बात करूं, सॉरी टोटल कितने पेयर होते हैं? 23। अगर संख्या की बात करूं, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। अब आप लोग बोलोगे कि सर जो लड़का हो, लड़के की कोई कोशिका हो या लड़की की कोशिका हो, दोनों में ही 23 पेयर होते हैं क्या? बिल्कुल। फर्क कितना है मेल में और फीमेल में? दोस्तों मेल में पहला जो आपका क्रोमोसोम है वो होता है XX, दूसरा XX, तीसरा XX, मतलब अगर 22 तक बात करें तो ये XX होता है। फीमेल में भी दोस्तों 22 पेयर बिल्कुल सेम होते हैं जैसे मेल में होते हैं, ठीक है। अब फीमेल में और मेल में कुछ तो अंतर होगा ना, तो फीमेल में 23वां पेयर होता है आपका XX, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। और जो ये मेल में होता है ना वो अलग होता है, वो XY होता है। तो दोस्तों ये जो 23वां पेयर है उससे क्या डिफाइंड हो रहा है? सेक्स डिफाइंड हो रहा है कि वो एक लड़का है या लड़की है। इसीलिए दोस्तों जो 23वां पेयर होता है इसे आप लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए किसी मानव शरीर में एक कोशिका में कितने सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, संख्या में दो, पेयर में एक। अब दोस्तों इसको आप लोग एलोसोम के नाम से भी जानते हैं, और बाकी के जो ये 22 पेयर है ना उसे आप लोग ऑटोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि ऑटोसोम्स टोटल कितने होते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 44, लेकिन आप लोगों से पेयर पूछा गया है, पेयर कितने होते हैं आप लोगों के? 22, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष ऑफर, 13 से 19 तारीख तक आप लोग कोड यूज करिए इंडिया जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच, जहां पर हर एक चीज मैंने आप लोगों को शानदार फ्लो चार्ट डायग्राम एनिमेशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूं। तो आप लोग जुड़ने का बढ़िया मौका है कोड लगा के इंडिया। दोस्तों आप लोगों को यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी फ्री है इसके साथ में, तो आप लोगों का नोट्स बनाना नहीं चाहो सीधे इसका प्रिंटआउट निकाल के भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो कोड लगाना ना भूलिए, इंडिया साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके जनरल साइंस फाउंडेशन बैच आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।